बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे SIS के ऊपर, यानी कि सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या चीज़ होती है? कैटरपिलर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसका जो है अक्सर नाम सुना होता है, अक्सर लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो आज की वीडियो सिर्फ हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है अबाउट SIS, यानी कि सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी जो डिटेल है उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह फिर कभी इसको डिटेल से इसकी भी ट्रेनिंग देंगे। तो सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। ये कैटरपिलर का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल है फॉर डीलर्स, एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट्स। यानी कि दुनिया भर में जहाँ पर भी कैटरपिलर के डीलर्स हैं हर मुल्क में, उनके लिए, कैटरपिलर के एम्प्लॉयज़ के लिए और डीलर के जो साथ काम करते हैं लोग, और क्लाइंट्स यानी कि इनके जितने क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं उन सब के लिए ये। इसका जो मकसद है वो है फाइंड देयर पार्ट्स एंड सर्विस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैटरपिलर प्रोडक्ट्स। कैटरपिलर की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर में, जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ जनरेटर नहीं है बल्कि कैटरपिलर की जो है वो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। अर्थ मूविंग मशीनरी में अलग हैं, जनरेटर्स में अलग हैं, इंजन्स, मैरीन्स, हर फील्ड में। तो दुनिया भर में जितनी भी कैटरपिलर की प्रोडक्ट है उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सर्विस इंफॉर्मेशन, वो इस सॉफ्टवेयर में, उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो इसी के ज़रिए से फाइंड किए जाते हैं। इसके जो फीचर्स हैं SIS के वो क्या हैं? इक्विवेलेंट ऑफ 25,000 बुक्स, यानी इसमें जो डेटा है वो इतना है कि उसको अगर हम किताबों के बराबर देखें तो वो 25,000 किताबों का उसमें सॉफ्टवेयर में डेटा है। ये कैटरपिलर ने बताई हुई है जो इसकी फ़ीचर्स हैं। 2 मिलियन ग्राफिक्स, यानी कि इसमें 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख के करीब इसमें जो है वो तस्वीरें होती हैं पार्ट्स की। जब भी हम कोई पार्ट जो है वो ढूंढना चाहते हैं तो पूरे पूरी उसकी जो है ग्राफिक्स आती हैं हमारे सामने, उसकी 3D पिक्स होती हैं। इसी तरह 1.5 मिलियन पार्ट नंबर्स, यानी कि 1.5 मिलियन का मतलब 15 लाख इसमें पार्ट नंबर हैं प्रोडक्ट्स के। 44,000 के करीब इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्विस के हवाले से भी होते हैं और पार्ट्स के हवाले से भी, ट्रबल शूटिंग के हवाले से भी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है कैटरपिलर की प्रोडक्ट्स के लिए। इससे आप क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? अगर आप गौर से देखें तो इसके ज़रिए से हम क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पार्ट्स हैं, जैसा कि हमने बताया। पार्ट्स में जो है वो पार्ट नंबर भी होता है। उस पार्ट की लोकेशन अगर आपको नहीं पता है, मसलन एक इंजन है कैटरपिलर का, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर कहाँ लगा हुआ है या आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इसकी लोकेशन उसकी ग्राफिक्स में जाकर बाकायदा चेक कर सकते हैं। उसमें राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप, सब चीज़ें उसमें दिखाई भी होती हैं। तो पार्ट्स को हम लोकेशन वाइज इसमें फाइंड करते हैं। फिर एज शिफ्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ उस इंजन में लगी हुई आई थी, क्योंकि अक्सर जो है वो ये होता है पार्ट नंबर चेंज होते रहते हैं कैटरपिलर, चूँकि सिस्टम को अपग्रेड करता रहता है। तो एक इंजन जो 10 साल पहले कैटरपिलर से आया था बनके, उसमें जो चीज़ें लगी हुई थी उसके सीरियल नंबर के हिसाब से, आप इसमें एज शिफ्ट से जाकर उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं। और फिर अगर बाद में वो पार्ट नंबर रिप्लेस हो गया किसी और पार्ट नंबर से, यानी पार्ट नंबर से पार्ट नंबर चेंज हो जाता है, तो उसको आप जो है वो यहाँ से जाकर मालूम कर सकते हैं कि पहले कौन सी चीज़ लगी हुई आई थी और अब कौन सा पार्ट नंबर आपको यूज़ करना है। तो इसमें पार्ट जो है वो सीरियल नंबर के हिसाब से भी मिल जाता है हमें, मॉडल से भी, और पार्ट नंबर अगर हमें पता हो, मसलन एक ECM है उसका हमारे पास पार्ट नंबर है तो हम उससे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर पार्ट नंबर नहीं है हमारे पास उस इंजन का जहां पर वो लगा हुआ है, उसका सीरियल नंबर मौजूद है तो उस सीरियल नंबर से भी हम उस ECM तक पहुँच सकते हैं। और अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो जो मॉडल है इंजन का, मसलन 3500 है, C18 है, कोई भी मॉडल है, आप मॉडल के ज़रिए से भी उस सीरियल तक और उसके पार्ट नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारे इसमें ऑप्शन होते हैं। इससे आप जो है स्कीमेटिक्स और ड्राइंग्स निकाल सकते हैं सारे इंजन्स की, मॉडल्स की। सर्विस मैनुअल्स इसमें मिलेंगी, ट्रबल शूटिंग गाइड मिलेगी पूरी पूरी के, मसलन कोई फॉल्ट आ रहा है इंजन में उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाए, ट्रबल शूटिंग का इसमें पूरा एक सेक्शन है। तो वो सारी चीज़ें उसमें गाइड मिलेंगी कि मसलन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसको 10 स्टेप में आपको चेक करना है। तो वो सारी डिटेल यहाँ पर विद पार्ट नंबर और जो है वो उसकी ग्राफिक्स वगैरह के ज़रिए सारी इसमें गाइड बताई जाती है। इसमें चेक लिस्ट्स होती हैं, इंस्टॉलेशन गाइड होती हैं, मेंटलिंग डिसमेंटलिंग का प्रोसीजर होता है, यानी कि पूरा ओवरहॉलिंग का प्रोसीजर आप कह सकते हैं। तो ये शॉर्टली हमने आपको बता दिया, इसमें बहुत कुछ है, बहुत डेटा है, ये बहुत जो है वो यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। कैटरपिलर के डीलर के पास तो ये होता ही है, लेकिन
जो कस्टमर्स कैटरपिलर की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो परचेज़ करना चाहें तो उसको परचेज़ करके अपने तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जो है बहुत सारी आसानी मिलती है, कोई भी पार्ट ऑर्डर करने में उनको आसानी मिलती है। पार्ट ऑर्डर करने से पहले वो वेरीफाई कर लेते हैं हर चीज़ सिस्टम में। इसके अलावा किसी भी इंजन के इंटरवल शेड्यूल्स देखने हों, ओवरहॉलिंग शेड्यूल्स देखने हों, सारी चीज़ें मतलब इसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये एक सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसीलिए इसको शॉर्ट में SIS कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।